रामपुर की चारदीवारी में लगातार मिल रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद रामगंज बाजार में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव के चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने अब चारदीवारी को पूरी तरीके से सील कर दिया है। चारदीवारी में लगातार होने वाली खाद्य पदार्थों की सप्लाई के कारण भीड़ नजर आ रही थी, इसलिए जयपुर कमिश्नरेट ने लॉकडाउन में बनाए गए सप्लायरों के सभी तरह के एंट्री पास कैंसिल कर दिए हैं और नए स्तर पर अब एंट्री पास बनाए जा रहे हैं। चार दीवारी में अब पुलिस, जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस से जुड़े तमाम प्रतिनिधि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करेंगे। पुलिस ने ऐसे में केवल उन्हें ही सप्लायरों और प्रतिनिधियों के पास बनाए हैं। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने जयपुर कमिश्नरेट को सख्त आदेश जारी किए हैं। उसके बाद अब चार दीवारी को पूरी तरीके से पैक कर दिया है। पुलिस की टीम लगातार चार दीवारी में फ्लैग मार्च कर रही है। एसीएस होम राजीव स्वरूप के मुताबिक चार दीवारी में केवल जरूरत और इमरजेंसी से जुड़ी सेवाओं को ही परमिट दी गई है। पास लेने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप बना दिया है जिसका नाम है राज कॉप सिटीजन। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल पे पास मिल जाएगा यदि उसको आवश्यक समझा गया। जो जिनके पास ऐप नहीं है वो निकटतम पुलिस से पास लेने ले सकते हैं। जिनको एंटर करना है, अति आवश्यक है, तो उसको देख करके वहाँ चेक पोस्ट पे पास देने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये केवल एक्सेप्शनल अपरिहार्य स्थिति में होगी। चार दीवारी क्षेत्र से जो भी व्यक्ति और वाहन बाहर निकलेंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जो स्वयंसेवी संस्था या अन्य परिकोटा क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए खाद्य पैकेट या राशन सामग्री के पैकेट्स उपलब्ध करा रहे थे वो अपनी व्यवस्था बरकरार रखें, लेकिन अब मेरा निवेदन है आप जो कुछ भी सप्लाई कर रहे थे आप लाएंगे, सीमा पर जिला प्रशासन आपसे लेगा और उसको वितरण की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी।